हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम आज एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो थ्योरी है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। हमने सब समझ लिया था कि प्रॉफिट क्या होता है, कौन कौन से उसके वेरिएशंस होते हैं जिसमें वो हम समझ नहीं पाते बेसिक लैंग्वेज में। इस वीडियो में, जो कि हमारे उसी प्रॉफिट वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसमें हम थ्योरीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी थी प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि हर एक इंसान के हिसाब से शब्दों का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो बड़े सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे हिसाब से प्रॉफिट ये होता है, तो किसी और ने कहा नहीं हमारे हिसाब से प्रॉफिट ये होता है। तो सब ने अपना अपना हिसाब लगाया, तो सब तरीके से जब देखा गया तो बड़े अलग अलग मीनिंग निकल कर सामने आए। तो हम आज जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं वो थ्योरी है रेंट थ्योरी, और ये रेंट थ्योरी दी थी फ्रांसिस एल वॉकर। ये जो फ्रांसिस एल वॉकर हैं, जिनका नाम आपने यहाँ पर देखा, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बोला कि भाई देखो, हम तुमको बताएं कि जो रेंट होता है और जो प्रॉफिट होता है, इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही रखा है रेंट थ्योरी और बता रहे हैं प्रॉफिट के बारे में। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, जो रेंट होता है और प्रॉफिट होता है उसमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो दुनिया ने कहा कि ऐसी कैसी सिमिलैरिटीज़ आपने बताई, तो उन्होंने बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ गिना दी कि बहुत सारी बातें होती हैं। उन्होंने सबसे पहला बताया कि जो रेंट है, रेंट किसकी इनकम होती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लैंड जो रेंट होता है वो लैंड की इनकम होती है, ज़मीन की। ज़मीन अगर हम किसी को किराए पे दें या किसी से किराए पे लें, तो बदले में जो किराया है वो लिया या दिया जाता है। जैसे कि रेंट जो है वो लैंड की इनकम है, वैसे ही जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर की इनकम है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी की इनकम। इन्होंने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर कितना काबिल है ये उसका प्रॉफिट बताता है। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को बहुत गज़ब का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि वो एंटरप्रेन्योर बड़ा ही अच्छी काबिलियत या बहुत ही अच्छी एबिलिटी वाला होगा। तो इनके हिसाब से ये वाला पॉइंट सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही रिवॉर्ड मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली। इन्होंने बोला कि जिस तरह से रेंट, जब हम किसी प्लॉट को, किसी प्लॉट का जब हम रेंट लेते हैं, तो हम उस प्लॉट के बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो प्लॉट क्या कहीं कोई बहुत हाई फाई जगह पे अगर सिचुएटेड होगा, या फिर वो बड़ा ही प्रोडक्टिव लैंड है, या उस ज़मीन के आसपास कोई फ्लाईओवर या कोई हाईवे जाता है, तो उसका किराया ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से इन्होंने बोला कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, अगर हमारा एंटरप्रेन्योर सुपीरियर है बहुत और उसके पास बड़ा ज़्यादा टैलेंट है, अगर बड़ा टैलेंट है उस हिसाब से भी वो डिफ़र करता है, क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर बड़ा ही हाईली टैलेंटेड होगा और कोई एंटरप्रेन्योर उतना हाईली टैलेंटेड नहीं होगा। तो ये टैलेंट के बेसिस पे इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कि ज़मीन डिफरेंशिएट होती है फर्टिलिटी के बेसिस पे, कोई ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, कोई बड़ी बढ़िया ज़मीन होती है, आप जो भी उसमें उगाइए वो तुरंत उगेगा, जो भी आप उसमें बोइए, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। वैसे इन्होंने बोला कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बड़े ही हाईली टैलेंटेड होते हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो हाईली टैलेंटेड नहीं होते। इस बेसिस पे इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया। तीसरा इन्होंने डिफरेंशिएशन जो दिया वो ये दिया, एबिलिटी। इन्होंने बोला कि फर्टिलिटी के हिसाब से भी तो
लैंड डिफर करता है, कोई कोई ज़मीन बंजर होती है तो वो बिकती ही नहीं। वैसे ही जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो सुपीरियर होता है, और जो नहीं होता वो अपने बिजनेस को आगे तक रन नहीं कर पाता। उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि आप रेंट को प्रॉफिट से बड़ा बहुत ज़्यादा मिला रहे हो, लेकिन फिर बड़े सारे क्वेश्चन भी उठे कि भाई इसको क्लियर करो थोड़ा। तो उन्होंने और भी ज़्यादा डिफरेंसेस दिए। उन्होंने बोला कि जैसे रेंट है, ठीक है, हम रेंट अगर किसी को भी देते हैं, कोई ज़मीन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ज़मीन बड़ी ही उपजाऊ हो। कोई ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रेंट दे ही देती है। वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर बड़ा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा तो वो कमा ही लेता है। इस तरीके से भी दोनों चीज़ों को इन्होंने कंपेयर कर दिया और बोला कि ये तो लगभग सेम ही है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर या मार्जिनल लैंड होता है, ठीक है, जैसे कि मार्जिनल लैंड है जो, उस मार्जिनल लैंड पे हमको क्या कोई रेंट मिलता है? नहीं, नहीं मिलता। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर भी तो ऐसा हो सकता है जो कोई भी प्रॉफिट ना कमाए। मतलब इनके लॉजिक्स काफ़ी डिफरेंट थे। इन्होंने बोला कि जैसे कि एक ज़मीन को हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी ज़मीन जिस पे रेंट नहीं आता उसको हम कहते हैं मार्जिनल, वैसे एक एंटरप्रेन्योर भी तो ऐसा हो सकता है जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो उसको भी तुम कहेंगे मार्जिनल। तो इस हिसाब से इन्होंने इन दोनों को फिर से कंपेयर कर दिया। लेकिन इनके इतने सारे कंपैरिजन के बावजूद भी इनकी जो थ्योरी थी कुछ बहुत अच्छे तरीके से या कुछ हाईली एक्सेप्टेबल नहीं करी गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आप देख लीजिए, वो क्या क्रिटिसिज्म थे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो दिया गया वो लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, रेंट और प्रॉफिट आप इसका सीधा सीधा बिल्कुल कंपैरिजन कर रहे हो कि दोनों सेम हैं, रेंट भी एक ही जैसा है, प्रॉफिट भी एक ही जैसा है। बट रियलिटी में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो रेंट है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्रॉफिट आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन रेंट आपका कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका रेंट नेगेटिव या ज़ीरो चला जाए। ज़ीरो कुछ एक्सट्रीम केसेस पे जा सकता है लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो प्रॉफिट होता है वो तो आपका प्लस माइनस ज़ीरो बड़े सारे स्टेजेस पर होकर गुजर सकता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो पहले अपना हिस्सा अलग नहीं करता, पहले हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं। तो अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो तब तो हिस्सा मिलेगा हमारे एंटरप्रेन्योर को, अगर नहीं हुआ तो ज़ीरो है। कभी कभी तो लॉस हो जाता है तो अपने पास से सेविंग भी बचा के देता है तो वो माइनस है। लेकिन लैंड के केस में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लैंड अगर आपने किसी को किराए पे दिया तो उसके ऊपर से भाई किराया आना तो तय है। अगर किराया नहीं आ रहा तो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती हो तभी किराया नहीं आता हो, अदरवाइज़ उसकी इनकम तो बिल्कुल डिसाइडेड है। तो ये वाली बात कहना तो बिल्कुल गलत है कि ज़मीन और ज़मीन पर जो रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिलता है, उसमें बड़े सारे सिमिलर फीचर्स हैं। सेकंड जो एक क्रिटिसाइज किया गया वो ये बोला गया कि हमने बोला है, मतलब जो फ्रांसिस हैं उन्होंने बोला कि प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है। किसका रिवॉर्ड है? वो रिवॉर्ड है बिजनेस की एबिलिटी का। बिजनेस में जो बड़ी एबिलिटी, जो काबिलियत दिखाई गई है, उसका हमको प्रॉफिट, हमारे लिए उसका इनाम है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट हमारी काबिलियत की वजह से मिल रहा है। ये भी पॉइंट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि कभी कभी हो सकता हो हमको प्रॉफिट हो रहा हो क्योंकि हम मोनोपोलिस्ट हैं। ये भी तो हो सकता है कि हमको प्रॉफिट इस वजह से हो रहा हो कि केवल हम ही वो सामान बना पाते हैं और कोई नहीं बना पाता, तो उस नाम पे आपको फ़ायदा हो रहा है। या हो सकता हो हमको प्रॉफिट बाय चांस हो रहा है, कि जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि कोरोना के टाइम पे ही सैनिटाइज़र्स और मास्क की बिक्री ऐसी भयानक होनी शुरू हुई कि वो आज तक रुकी नहीं। उससे पहले हम इतना नहीं जानते थे मास्क लगा के भी हमें कहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें
बाई चांस हो गई और वो बाई चांस अमीर बन गए मास्क वाले और सैनिटाइजर्स वाले। तो आप सारे प्रॉफिट को ये मत कहो कि हमारी मेहनत की कमाई है, नहीं, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो आपको गलती से फ़ायदा करा देती हैं, जैसे कि अगर कोई भी आपदा आ जाए तो वो चीज़ें जो आपदा में ही काम आती हैं हम उन्हें तभी पूछेंगे, अदरवाइज हम उन्हें नहीं पूछते। तो आप इस बात पे कंपैरिजन कर रहे हो विच इज़ रॉन्ग, जो कि क्रिटिसाइज़ किया गया था। थर्ड पॉइंट जो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था उसमें ये बोला गया था कि आपने बोला कि मार्जिनल लैंड होता है जो कि हमको कोई किराया नहीं देता, लेकिन आप ये बताओ क्या कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा हो सकता है जो कोई भी प्रॉफिट ना कमाए और फिर भी बिज़नेस करता रहे? आंसर इज़ नो। अब एक ज़मीन है जो कि ज़मीन बैरन है, हमें समझ में आ गया कि एक बंजर ज़मीन है और यहाँ पर हमको रेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम खेती बाड़ी करने की सोच रहे हैं तो अब बिग नो टू दिस, लेकिन अगर हम कोई फैक्ट्री सेट करने का सोच रहे हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एक इंसान हैं अगर, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हुआ प्रॉफिट, अगले साल भी नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, जब इतने साल लगातार प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी क्या हम बिज़नेस करते रहेंगे? आंसर इज़ नो। हम बिज़नेस रोक देंगे, कहीं और ट्राई करेंगे। नो रेंट, अगर रेंट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, ये चीज़ चलती रहेगी क्योंकि आपकी ज़मीन बंजर है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तब भी हम इसी में इन्वॉल्व रहेंगे, ये बात आपकी गलत है। हम अपना लक कहीं और ट्राई करेंगे, हम उस फ्लॉप बिज़नेस में नहीं रहेंगे जहाँ पर हमें एक रुपए का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद अगेन एक और क्रिटिसिज्म जो कि उनके ऊपर करी गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करी गई हैं जो हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वॉकर ने बात करी कि जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल एबिलिटी की वजह से निकलता है, हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे अंदर जो इतनी काबिलियत है, लेकिन एक्चुअली में जो रियलिटी है वो ये कहती है कि केवल और केवल एबिलिटी की वजह से नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है क्योंकि हम रिस्क उठा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जितना हाई अमाउंट का आप रिस्क उठाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। वॉकर ने बोला कि हमको इसीलिए प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत है, हम बहुत काबिल हैं, मतलब हम नहीं, मतलब एक एंटरप्रेन्योर, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस से बोला कि बड़ा काबिलियत है इसलिए हमें प्रॉफिट मिलता है। बट एक्चुअली में क्रिटिसिज्म क्या हुई और ये बोला गया कि नहीं बेटा, काबिलियत की वजह से नहीं मिलता, आपको प्रॉफिट इस वजह से मिलता है क्योंकि आप उस बिज़नेस में क्या उठा रहे हो, रिस्क उठा रहे हो, आपने उसमें मेहनत करी। ऑलराइट, तो ये भी एक पॉइंट था जिससे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो अगेन उनको क्रिटिसिज्म सुननी पड़ी, वो लास्ट पॉइंट हमको ये बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिविडेंड, उसको हम कहेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो डिविडेंड तो भाई ऐसे ही मिल जाता है, उनने कोई अपनी बिजनेस में एबिलिटी तो दिखाई नहीं होती, बस हम शेयर सब्सक्राइब करते हैं और अगर फ़ायदा हुआ तो हमको भी फ़ायदा हो जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमको इतने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ या डिविडेंड मिला, उस केस में तो शेयर होल्डर कोई भी एबिलिटी शो नहीं करता, अगेन रिस्क ज़रूर उठाता है। तो लास्ट पॉइंट में जो हमने पढ़ा था कि फ्रांसिस ने बोला कि भाई हम एबिलिटी शो करते हैं इसलिए हमें प्रॉफिट होता है, एक्चुअली में ही वॉज क्रिटिसाइज्ड कि नहीं, एबिलिटी नहीं होती, रिस्क उठाते हो। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ सही बात है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें भी तो प्रॉफिट मिलता है, बट एक्चुअली में वो तो कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे, वो तो कोई एबिलिटी नहीं दिखा रहे, वो सिंपल शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर्स अपने पास रख लेते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, उससे होता है उनको प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने रिस्क उठाया। तो सारा का सारा खेल जो है प्रॉफिट में वो रिस्क का है। आपकी ये बात उसको आप कंपेयर कर रहे हो विच इज़ नॉट सो मच करेक्ट, इसलिए जो हमारे वॉकर थे उनकी ये वाली जो थ्योरी थी रेंट थ्योरी बड़ी बहुत बार क्रिटिसाइज़ करी गई और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई हमको प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट एक्चुअली में होता क्या है,
हम इससे समझें क्या, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, हम इससे क्या समझें कि हम उसको ट्रू नेचर इसका समझ पाएँ। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग आए अपनी थ्योरीज लेके, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, बहुत सारी प्रॉफिट की थ्योरीज लेकर आए जो कि हम अगेन लेकर आएंगे अपने इस सीरीज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द अल्टीमेट जो सम अप है इस वीडियो का, उसमें यही है कि हमारे इस वीडियो में जो वॉकर की थ्योरी हमने पढ़ी, तो वॉकर ने प्रॉफिट का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है रेंट से, और उन्होंने बोला कि प्रॉफिट और रेंट लगभग सेम है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये सेम नहीं है। तो प्रॉफिट का अगर किसी के साथ रिलेशन है, तो वो रिलेशन है रिस्क के साथ। आप जितना हाई रिस्क लोगे, उतना हाई प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ओके, सारा का सारा खेल हमारे यहाँ रिस्क का ही है। सो विद दिस, आई होप आपको सारा जो भी हमने लेक्चर पढ़ाया, आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए अंत तक। आई होप यू एंजॉय द सेशन। स्टे विद द चैनल। थैंक यू सो मच।